Hello everyone, how are you all? I hope you are all fine. I'm Neha Jhala, welcome you all in our YouTube channel Democracy in the Contemporary World. So student, do you know anything about democracy? When we talk about democracy, we have to know now what is democracy. So in simple language or simple way, we know democracy as a form of government where the rulers are elected by people. समझ में आया आपको? एक ऐसी form government की जहां पर जो rulers हैं वो peoples, जो normal peoples हैं, उनके द्वारा या उनसे ही elect किए जाते हैं, उसे हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं. यानी कि जो रूलर्स है उनको हम खुद चूज कर सकते हैं या उनको चूज करना हमारे ही हाथों में होता है. सो इन दिस बुक अबाउट डेमोक्रेसी, इन दिस फर्स्ट चैप्टर वी सी हाउ डेमोक्रेसी हैज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स टू मोर एंड मोर सेंचुरीज इन द वर्ल्ड. More than half of independent countries in the world today are democracy. You all know that the half of world's country are democratic. But we didn't know how democratic they are. हमें ये पता नहीं, हमें सिर्फ ये पता है कि they are democratic. But we didn't know how type of their democracy established there. So in this chapter, we will know how they found their democracy and the expansion of democracy has not been smooth and straight. यानी कि democracy को achieve करने का जो way था वो बिल्कुल भी straight और smooth नहीं था. There are several ups and downs in different countries. यानी कि different countries ने different types से अपना struggle करा है. एक बहुत मुश्किल पीरियड ऑफ टाइम से निकले हैं, गुजरे हैं, तब जाकर उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को अचीव किया है. सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर बिगिन विद डिफरेंट स्टोरीज ऑन द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो इन दिस चैप्टर वी सॉ टू स्मॉल स्टोरीज एंड देयर हिस्ट्री, हाउ दे फाउंड, how they achieve their democracy. These stories are meant to give a sense of what it means to experience democracy and its absence. और इन stories को पढ़ने के बाद या stories से हमें ये meaning मिलता है कि जो एक sense होता है experience का democracy के presence में और democracy के एब्सेंस में. यानी कि हम यहाँ पर दोनों तरह की सिचुएशन देखेंगे या दोनों टाइप के सिचुएशन को फेस करेंगे कि हाउ वी फील व्हेन वी हैव द रूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड हाउ वी फील व्हेन द एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी. सो लेट वी स्टार्ट. सो स्टूडेंट फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट चिली. चिली इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका. यानी कि चिली जो कंट्री है वो साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है. सो स्टूडेंट, हियर इन चिली वी सॉ सेवाल्डर एलेंदे. यानी कि सेवाल्डर एलेंदे उनके प्रेसिडेंट थे. इन 1970s election, he got a victory, a huge victory. यानी कि उनको 1970 के जो elections थे उनमें बहुत ही बड़ी जीत हासिल हुई थी और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी government form की थी. यानी कि उनकी जो government थी वो बहुत ही helpful थी for the poor, for the workers, for the farmer, for the चिल्ड्रन. और उन्होंने बहुत सारे
रिफॉर्म, यानी कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को रिफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था, लाइक एजुकेशनल सिस्टम, लाइक फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन, लाइक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू लैंडलेस फार्मर. ही वॉज अपोज टू फॉरेन कंपनीज टेकिंग अवे नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कॉपर फ्रॉम द कंट्री. यानी कि उन्होंने लैंडलेस लेबर, पुअर पीपल के लिए काम करना स्टार्ट किया. उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को भी रिफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, फ्री एजुकेशन, फ्री मिल्क बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा था. एंड एलेंडे, सेवेल्डर एलेंडे बहुत ही ज़्यादा अपोज करते थे फॉरेन कंपनीज का जो चिली की नेचुरल रिसोर्सेस को यूज़ कर रही थी, ओवर यूज़ कर रही थी, बाहर ले जा रही थी, लाइक कॉपर. यानी कि वो इस चीज़ का अपोज करते थे, इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि उनके कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेस को बाहर ले जाया जा रहा था. इस चीज़ को वो अपोज कर रहे थे लाइक कॉपर. अब जो भी ये लैंडलॉर्ड्स थे, रिच पीपल थे या रिच कम्युनिटी थी, उनको एलेंडे या सेवेल्डर एलेंडे की ये जो बहुत अच्छी अच्छी जो स्कीम्स थी जो वो पुअर पीपल के लिए कर रहे थे, वो दूसरी फॉरेन कंपनीज को अपोज कर रहे थे, ये चीज़ें उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी. वो सेवेल्डर एलेंडे को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे. देन उन लोगों ने किया क्या? तो इन 1973 देयर विल बी अ मिलिट्री कॉप. अब हम डिस्कस करेंगे जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है हमारे चैप्टर की, 11 सितंबर 1973. सो स्टूडेंट, इन दैट डे 11 सितंबर द मिलिट्री टुक ओवर द सी पोर्ट. यानी कि जो चिली की मिलिट्री थी उसने सी पोर्ट को टुक ओवर कर लिया, उस पर अपना कब्जा कर लिया, उसको ऑक्यूपाई कर लिया. द डिफेंस मिनिस्टर वॉज अरेस्टेड बाय द मिलिट्री व्हेन ही अराइव्ड एट हिज ऑफिस. डिफेंस मिनिस्टर को उनके ऑफिस से ही अरेस्ट कर लिया गया. द कमांडर जनरल आस्क्ड द प्रेसिडेंट टू रिजाइन. एलेंडे रिफ्यूज टू रिजाइन और लीव द कंट्री. सो स्टूडेंट, जनरल कमांडर ने प्रेसिडेंट को कहा कि आपको अपनी पोस्ट से रिजाइन करना होगा, यानी कि आप जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर स्टैब्लिश हैं, आपको इस पोस्ट से रिजाइन करना होगा, यानी कि इस्तीफा देना होगा. एलेंडे रिफ्यूज, एलेंडे ने रिजाइन करने से या कंट्री से बाहर जाने को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया. But realizing the danger to the country and to his life, he addressed the people on the radio. So student, when he realized the danger of his people on his country, he addressed his people on radio. At the starting on page number 3, we will saw his speech. Workers of my country, I have faith in Chile and its future. So he gave that type of speech. You will read this speech at the page number 3. उन्होंने कहा कि मुझे चिली के पीपल पर पूरी तरीके से फेथ है कि मेरा सेक्रीफाइस वैन या फालतू नहीं जाएगा. उनका कहना था कि मैं जो अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं एक दिन मेरे ही काम आएगा या मेरी कंट्री के काम आएगा. देन द मिलिट्री सराउंडेड द प्रेसिडेंट्स हाउस एंड स्टार्टेड बॉम्बिंग इट. प्रेसिडेंट एलेंडे डाइड इन द मिलिट्री अटैक. सो स्टूडेंट, मिलिट्री ने उनके हाउस पर बॉम्बिंग करना स्टार्ट किया और उसी बॉम्बिंग या मिलिट्री अटैक में प्रेसिडेंट सेवेल्डर एलेंडे की डेथ हो गई. और जो आप लोगों ने पेज नंबर 3 पर पढ़ा था, जो हमारा इंट्रोडक्शन स्पीच थी, वो उनकी लास्ट स्पीच थी. अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल वॉज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री थ्रू कॉन्स्पिरेसी एंड वायलेंस. सो स्टूडेंट, अब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन कर दिया गया था मिलिट्री पावर ने,
या मिलिट्री पावर के कॉन्स्पिरेसी एंड वायलेंस के कारण एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ओवरथ्रोन कर दी गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ कि कैसे एक मिलिट्री ने या मिलिट्री के जनरल ने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया? सबके माइंड में ये क्लिक होता है कि इतने राइट किसने दे दिए कमांडर जनरल को कि उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कंट्री को के प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करवा कर उसकी डेथ कर हो गई या उसे एक बॉम्बिंग अटैक में मार दिया गया। सो व्हाट टुक प्लेस इन चिली ऑन 11 सितंबर 1973 वाज अ मिलिट्री कॉप, यानी कि जो 11 सितंबर 1973 को हुआ था वो मिलिट्री कॉप था। जनरल ऑगस्टो फिनोशे और जनरल ऑगस्टो फिनोशे एन आर्मी जनरल लीड दी कॉप, और इस कॉप को आर्मी जनरल ऑगस्टो फिनोशे ने लीड किया था। लीड करना, उसको नेतृत्व करना, या उसका जो लीडर थे वो जनरल ऑगस्टो फिनोशे थे। द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज अनहैप्पी विद एलेंदेज रूल एंड इज नोन टू हैव सपोर्टेड एंड फंडेड एक्टिविटीज दैट लीड टू द कॉप। सो स्टूडेंट, हियर वी नो हु फंडेड एंड सपोर्टेड मिलिट्री कॉप। सो अमेरिका, जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी वो एलेंदे के रूल से या उनकी डीड से अनहैप्पी थी। सो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट चाहती थी कि एलेंदे को उनकी प्रेसिडेंशियल पोस्ट से हटा दिया जाए, तो उन्होंने ही इस पूरे मिलिट्री कॉप को फंड किया था, सपोर्ट किया था। दैट इज़ क्लियर। आई होप आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा कि मिलिट्री कॉप किसने ऑर्गेनाइज करवाया था। तो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने ये मिलिट्री कॉप ऑर्गेनाइज करवाया था। फिनोशे बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रूल्ड इट फॉर द नेक्स्ट 17 ईयर्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट दैट वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल। द पावर शिफ्टेड टू द मिलिट्री ऑफिसर्स, यानी कि स्टूडेंट्स अब क्या हो रहा था, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी उनकी सारी पावर्स मिलिट्री के पास चली गई थी या शिफ्ट हो चुकी थी। दे कुड डू एज दे विश्ड एंड नो वन कुड क्वेश्चन देम। वो चाहते थे वैसा कर सकते थे, उन्हें क्वेश्चन करने वाला कोई भी नहीं था। थस अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप वॉज एस्टेब्लिश्ड इन चिली। फिनोशेस गवर्नमेंट टॉर्चर्ड एंड किल्ड सेवरल दोज हु सपोर्टेड एलेंदे एंड दोज हु वांटेड डेमोक्रेसी टू बी रिस्टोर। फिनोशे की गवर्नमेंट टॉर्चर करती थी, लोगों को मार देती थी, मर्डर करवा देती थी, जो भी लोग एलेंदे और उनकी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे या उनकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिस्टोर करना चाहते थे, दोबारा लाना चाहते थे। दीज इंक्लूडेड जनरल अल्बर्टो बैशलेट ऑफ द चिलियन एयरफोर्स। सो स्टूडेंट, इसी में इंक्लूड थे जो एलेंदे के सपोर्टर थे, उनमें से एक थे अल्बर्टो बैशलेट ऑफ द चिलियन एयरफोर्स। यू हैव टू नो दिस नेम अल्बर्ट बैशलेट। ये एक चिलियन एयरफोर्स के ऑफिसर थे एंड अदर ऑफिसर्स हु रिफ्यूज टू ज्वाइन द कॉप, यानी कि इन्होंने और इनके साथ के कुछ ऑफिसर्स ने मिलिट्री कॉप को ज्वाइन करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। जनरल बैशलेट्स वाइफ एंड डॉटर वर पुट इन प्रिजन एंड टॉर्चर्ड। इसीलिए जो जनरल बैशलेट की वाइफ और डॉटर को प्रिजन में डाल दिया गया, दे पुट इन प्रिजन, उनको प्रिजन में डालकर उनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया। मोर देन 3,000 पीपल वर किल्ड बाय द मिलिट्री, और मिलिट्री ने अराउंड 3,000 पीपल्स को मार दिया, किल्ड बाय द मिलिट्री, यानी कि उनका मर्डर कर दिया गया। उन्हें मिलिट्री कॉप या मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट बोलने के लिए मरवा दिया गया।
Many more were reported missing. No one knows what happened to them. And many more, बहुत अधिक से अधिक लोग गायब हो चुके थे, मिस हो चुके थे, मिसिंग, दे आर मिसिंग, उनका अभी तक पता नहीं चला है, अभी तक नो वन नोज वॉट हैपेंड टू देम, कि उनके साथ क्या हुआ था. नाउ वी टॉक अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी. सो स्टूडेंट, इन चिली फिनोशेस military dictatorship came to an end after he decided to hold a referendum in 1988. He felt confident that in this referendum the people would say yes to his continuing in power. But the people of Chile had not forgotten their democratic tradition. Their vote was a decisive no to Pinochet. So student, here referendum means election, like election, किसी का वोट जानना कि whom they wanted to be in ruling party or rule the country. So in confidence, Pinochet organized a referendum in 1988. But the Chile's people या Chile के लोग अपना जो democratic tradition था उसे बिल्कुल भी नहीं भूले थे. Chile had not forgotten their democratic tradition. So they say a decisive no to Pinochet. This led to Pinochet losing first his political and then his military powers. और इसी referendum ने के कारण धीरे धीरे Pinochet की political और military powers कम होने लगी. The hope Allende expressed in his last address was realized. Felony, cowardice and treason were finally punished. Political freedom was restored. Since then, Chile has held 4 presidential elections in which different political parties have participated. Slowly, the army's role in the country's government has been eliminated. Finally, जो अपनी speech में Allende ने एक hope दी थी, finally वो hope बिल्कुल ट्रुथ हो रही थी या फाइनली वो देखी जा रही थी लोगों में, यानी कि जो उन्होंने अपने स्पीच में कहा था वो सब धीरे धीरे सच हो रहा था. आर्मी का जो रोल था गवर्नमेंट में वो भी स्लोली स्लोली कम हो रहा था. आर्मी एलिमिनेट हो रही थी अपनी पावर से या गवर्नमेंट में अपने रोल से. The elected government that came to power ordered inquiry into Pinochet's rule. These inquiries showed that his government was not only very brutal but also very corrupt. और इस inquiry यानी कि जो अब new ruling party आई उसने Pinochet की government पर inquiry hire की और इस inquiry ने पता लगाया कि Pinochet की जो गवर्नमेंट थी वो सिर्फ ब्रूटल का मतलब है हियर क्रूअल ही नहीं थी बल्कि करप्ट, यानी कि पूरी तरीके से करप्शन में लिप्त थी या करप्ट, पूरी गवर्नमेंट करप्ट थी. डू यू रिमेम्बर अ लिटिल रेफरेंस मेड अर्लियर टू जनरल बैचलेट्स डॉटर हु वॉज इम्प्रिजन एंड टॉर्चर्ड अलोंग विद हर मदर? If you know, we talk about Alberto Bachelet. So, his daughter Michelle Bachelet became the first president of Chile. Yeah, first woman president of Chile. So she was the daughter of Chilean Air Force Major Bachelet. The girl Michelle Bachelet was elected president of Chile in January 2006, a medical doctor and a moderate socialist. Michelle became the first woman to be a defense minister in the Latin America. In the presidential election, she defeated one of the Chile's richest men
In this photograph of her victory speech, she is saying to her supporters, so student, she is one of the first Latin America ki first president, Chile ki president, and then she appointed as the defense minister of Latin America. In this pic of on page number 4, she is giving a victory speech to his supporter. I hope you all know about the Chile situation, how they struggle for their freedom and their democracy, and finally they found it. Now we talk about our second story, democracy in Poland. Okay, let me start. So this time from Poland in 1980. At that time, Poland was ruled by Polish United Workers Party. This was one of the many communist party that ruled in several countries of East Europe. At that time, in these countries, no other political party was allowed to function. So, students, firstly, you have to know that in Poland, a party ruled, that is the Communist Party, and वहाँ पर जिन countries में Communist Party का rule होता था, उन countries में किसी भी other या other party को form करना या function करना बिल्कुल भी allow नहीं था, यानी कि वहाँ पर जो country या जो भी कंट्री थी जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी, वहाँ पर आप कोई भी अदर पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते थे. सो दोज हु स्पोक अगेंस्ट द लीडर्स और द पार्टी द गवर्नमेंट वर पुट इन प्रिजन. यानी कि वहाँ पर भी वही किया जाता था, अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं तो आपको भी जेल में या प्रिजन में डाल दिया जाएगा. The government in Poland was supported and controlled by the government of Soviet Union, a vast and powerful communist state. And जो Poland की ruling party थी, वो Soviet Union की एक vast और powerful communist party थी या state थी. यानी कि Poland की जो government थी, वो USSR की एक communist state थी, जो बहुत ही vast and powerful थी. On 14th August 1980, the workers of Lenin shipyard in the city of Gdansk went on a strike. The shipyard was owned by the government. यानी कि note कीजिएगा, ये date बहुत important है. 14 August 1980 को जो Lenin shipyard के workers थे, वो एक strike पर चले गए. Because शिपयार्ड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि शिपयार्ड पे किसका रूल था, किसकी शिपयार्ड थी, गवर्नमेंट की. इनफैक्ट ऑल द फैक्ट्रीज एंड बिग प्रॉपर्टी इन पोलैंड वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. एंड डू यू नो स्टूडेंट, जितनी भी बिग प्रॉपर्टीज और फैक्ट्रीज थी, वो सब गवर्नमेंट के अंडर आती थी. यानी कि जो भी उन प्रॉपर्टी का काम था, वो सब उस गवर्नमेंट के अंडर था. द स्ट्राइक बिगेन विद अ डिमांड टू टेक बैक अ क्रेन ऑपरेटर, अ वुमेन वर्कर हु वॉज अनजस्टली डिसमिस्ड. यानी कि स्ट्राइक इसीलिए स्टार्ट हुई थी क्योंकि वहाँ पर एक क्रेन ऑपरेटर को, एक वुमेन वर्कर को अनजस्टली डिसमिस कर दिया गया था. This strike was illegal because trade unions independent of ruling party were not allowed in Poland. ये strike Poland की government के हिसाब से बिल्कुल illegal थी, क्योंकि trade union बिल्कुल भी independent नहीं था at that time in Poland. As the strike continued, a former electrician of the shipyard Lech Walesa joined the strikers. यानी कि इस स्ट्राइक को एक फॉर्मल इलेक्ट्रीशियन, जो कि एक फॉर्मल इलेक्ट्रीशियन थे शिपयार्ड के, उन्होंने
ज्वाइन कर लिया जिनका नाम था लेक वेलेसा. ओके लेक वेलेसा, यू हैव टू रिमेंबर द नेम. ओके ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस इन 1976 फॉर डिमांडिंग हायर पे. और लेक वेलेसा को अपनी हायर डिमांड पेमेंट के लिए डिसमिस कर दिया गया था फ्रॉम द शिपयार्ड. ओके वेलेसा सून इमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स. द स्ट्राइक बिगेन टू स्प्रेड अक्रॉस द होल सिटी. नाउ द वर्कर्स स्टार्टेड रेजिंग लार्जर डिमांड्स. दे वॉन्टेड द राइट टू फ्रॉम इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन. They also demanded the release of political prisoners and an end to censorship on press. So student, that strike began to spread. यानी कि ये जो strike थी वो spread होने लगी, बढ़ने लगी और उनकी जो demands थी वो भी बढ़ने लगी. The people wanted their independent trade union. यानी कि जो वर्कर्स थे वो एक इंडिपेंडेंट यानी कि फ्री ट्रेड यूनियन चाहते थे. दे वांटेड टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स. वो चाहते थे कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको फ्री किया जाए. एंड एंड टू सेंसरशिप ऑन प्रेस, यानी कि मीडिया या प्रेस पर जो सेंसरशिप है, जो प्रतिबंध है, उनको हटाया जाए. The movement became so popular that the government had to give in. The workers led by Wellesa signed a 21-point agreement with the government that ended their strike. यानी कि finally ये movement इतना बड़ा हो गया था कि government को give up करना पड़ा और उन्होंने Wellesa के साथ और workers के साथ एक 21-point का agreement sign किया government ने, Poland government ने. The government agreed to recognize the workers' right to form independent trade union and their right to strike. यानी कि finally government ने माना कि जो trade union है वो independent होना चाहिए और strike करने का right workers के पास होना चाहिए. After the Gandesk agreement was signed, a new trade union called Solidarity was form. यानी कि finally जब ये agreement sign हुआ, then एक solidarity trade union establish हो गया या form हो गया. It was the first time an independent trade union was formed in any of the communist state. यानी कि ये first time हुआ था जब किसी भी communist state में एक independent trade union establish हुआ था. Within a year, Solidarity swept across Poland and had about 1 crore members. यानी कि finally ये Solidarity Party पूरे Poland में फैल गई या spread हो गई और उनके members 1 crore हो गए थे. Revelation of widespread corruption and mismanagement in the government made matters worse for the रूलर्स. और मिसमैनेजमेंट और करप्शन के मैटर्स ने गवर्नमेंट के लिए और भी बुरे हालात कर दिए थे. द गवर्नमेंट लीड बाय जनरल जेरुसाल की ग्रू एनेक्शियस एंड इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन दिसंबर 1981. एंड फाइनली जो जेरुजास्ली की जो गवर्नमेंट थी उसको फाइनली 1981 में मार्शल लॉ कर हटा दिया गया. थाउजेंड्स ऑफ सॉलिडेटरी मेंबर वर पुट इन प्रिजन. फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस ओपिनियन वाज वंस अगेन टेकन अवे. और फाइनली थाउजेंड्स ऑफ सॉलिडेटरी मेंबर्स यानी कि हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया बिकॉज ऑफ देयर right because they are demanding to express opinion and find freedom to organize and protest. Another wave of strike again organized by Solidarity. Aur Solidarity ne hi again ek dobara strike ko start kiya in 1988. This time the Polish government was weaker, but is time jo
1981 की गवर्नमेंट थी उससे पोलिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वीकर या कमज़ोर हो चुकी थी। द सपोर्ट फ्रॉम सोवियत यूनियन अनसर्टेन एंड द इकोनॉमी वॉज इन डिक्लाइन, यानी कि उनका जो सोवियत यूनियन से सपोर्ट था वो भी अनसर्टेन था, यानी कि अनिश्चित था, और उनकी जो इकोनॉमी थी वो भी गिरती जा रही थी। Another round of negotiation with Valesa resulted in an agreement in April 1989 for free election. Solidarity contested all the 100 seats of the Senate and won 99 of them. यानी कि जो पोलैंड की जो एक गवर्नमेंट थी या जो गवर्नमेंट का जो एक फॉर्म था उसे सेनेट कहा गया था, यानी कि वहाँ की जो एक राज्यसभा थी उसे हम सेनेट कह सकते हैं। तो वहाँ की 100 सीट्स में से 99 सीट्स सॉलिडेटरी पार्टी ने वॉन कर ली थी, जीत ली थी। इन अक्टूबर 1990 पोलैंड हैड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच मोर देन वन पार्टी कुड कॉन्टेस्ट। अब पोलैंड में फाइनली अक्टूबर 1990 को एक प्रेसिडेंशियल फर्स्ट फ्री प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए जिसमें एक से ज़्यादा पार्टी कॉन्टेस्ट कर सकती थी या प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। वेलेसा वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड एंड फाइनली वेलेसा को पोलैंड का प्रेसिडेंट चूज कर लिया गया। सो स्टूडेंट, वी सॉ इन दीज टू स्टोरीज हाउ द स्ट्रगल फॉर देयर डेमोक्रेसी, हाउ दे स्ट्राइक, हाउ दे फाउंड देयर डेमोक्रेसी। सो स्टूडेंट, अब आपको पता चला ही होगा कि डेमोक्रेसी क्या है और लोगों ने डेमोक्रेसी पाने के लिए कितना स्ट्रगल किया है। सो नाउ वी टॉक अबाउट द टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो स्टूडेंट, फर्स्टली वी नो द रियल एक्सप्लेनेशन और रियल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर्स इन डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी एक वो फॉर्म है गवर्नमेंट का जो अलाउ करती है पीपल को टू चूज देयर रूलर्स, यानी कि डेमोक्रेसी में ही आप पीपल को ये राइट होता है कि दैट दे चूज देयर रूलर्स। तो इसका फर्स्ट फीचर है ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री, यानी कि ओनली जब आप पीपल द्वारा या पीपल ही आपको चूज करेंगे तभी आप कंट्री पर रूल कर सकते हो। पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यू, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, यानी कि आपके जो पीपल हैं, आपकी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, नॉर्मल पीपल हैं, उनके पास राइट होता है फ्रीडम टू एक्सप्रेस, यानी कि वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, वो कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल क्लब या नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, यानी कि अगर गवर्नमेंट की कोई भी प्लान या कुछ भी अगर उन्हें पसंद ना आए, दे डिडंट लाइक द प्लान ऑफ गवर्नमेंट, दे प्रोटेस्ट, यानी कि वो स्ट्राइक कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी। सो स्टूडेंट, 20th सेंचुरी वॉज फुल ऑफ द काइंड ऑफ स्टोरीज वी हैव रीड अबाउट, स्टोरीज ऑफ ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, ऑफ चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ऑफ मिलिट्री कॉप, ऑफ स्ट्रगल ऑफ द पीपल टू ब्रिंग बैक डेमोक्रेसी। वॉज देयर अ पैटर्न टू दीज स्टोरीज दैट रिकॉर्ड बोथ द मार्च टूवर्ड्स डेमोक्रेसी एंड द सेटबैक्स टू डेमोक्रेसी। सो लेट अस यूज द बेसिक फीचर्स we noted earlier and identified democracies among different countries of the world. So student, क्या हम जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि जो stories हमने अभी read की है
तो उससे हमें पता चलता है कि 20th century में ये जो डेमोक्रेसी का ट्रांजिशन था वो पूरी तरीके से इन स्टोरीज से फुल है। यहाँ पर कई हमने चेंजेस देखे हैं, मिलिट्री कॉर्प्स देखा है, स्ट्रगल देखा है पीपल्स का टू ब्रिंग बैक डेमोक्रेसीज। तो इट इज लाइक अ पैटर्न, सो वी हैव टू नोटिस दैट टाइप ऑफ पैटर्न। सो इन दिस चैप्टर वी हैव 3 मैप्स, ओके, ऑन पेज नंबर 8 और 9 यू सो मैप नंबर 1 वेयर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन 90 to 1950। इन मैप नंबर 2 यू सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1975। इन मैप नंबर 3 यू सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन 2000। सो स्टूडेंट, दिस इज व्हाट द 3 मैप्स शो हियर टू डू। टेक अ लुक एट दीज 3 मैप्स बिलो एंड फाइंड आउट इफ देयर वॉज अ पैटर्न इन द वे डेमोक्रेसी हैव इवॉल्व इन 20th century। तो यू विल सॉ द पैटर्न हाउ द डेमोक्रेसी इवॉल्व इन 20th century। द फर्स्ट मैप डेपिक्ट्स द कंट्रीज that were democratic in 1950, a few years after the end of Second World War. यानी कि Second World War के बिल्कुल बाद 1950 में कुछ countries democratic हो चुकी थी। This map also shows countries from this set that had already become democratic by 90. यानी कि 19th century के पहले या 19th सेंचुरी के आने तक ये कंट्रीज डेमोक्रेटिक हो चुकी थी। द सेकेंड मैप प्रेजेंट अ पिक्चर डेमोक्रेटिक रिजाइम इन 1975 आफ्टर द मोस्ट ऑफ कॉलोनीज हैज गेन इंडिपेंडेंस। कई कंट्रीज 1975 के बाद इंडिपेंडेंट हुई थी या उनको अपनी इंडिपेंडेंस पाई थी। Finally, we take another leap and took at the democracy in the year of 2000. यानी कि हम एक leap लेकर directly हम कहाँ पहुँचते हैं 2000 में, and then we look how many countries are become democratic in 2000. As we look at these map, let us ask ourselves some question. If you look these maps, you have some queries, some question. How has democracy marched through the 20th century? Is there a clear pattern of expansion? हम देखते हैं कि 20th century तक democracy कैसे आई है, क्या इसका कोई clear expansion है? When did the expansion take place? और आप लोगों को queries question होता होगा कि expansion कैसे हुआ या इसने कैसे अपना एक place बनाया? So we will discuss about it. Okay? Let us summarize the main point that emerged from a reading of these maps. You need to go back to the maps to answer the question that comes after each point. So student, let we discuss and we have some question or queries jinke answers aapko मैप पर मिलेंगे या आपको उसको आंसर्स ढूंढने के लिए आपको मैप को देखना पड़ेगा। डेमोक्रेसी हैज एक्सपेंडेड थ्रू आउट द 20th century। क्या डेमोक्रेसी 20th century तक स्प्रेड हुई थी, एक्सपेंड हुई थी? इट इज करेक्ट टू से दैट एट ईच पॉइंट इन दीज मैप्स द नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज is larger than at the previous point in time. So it is true. हमने मैप में भी देखा कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो प्रीवियस पॉइंट से बढ़ रही थी। यानी कि अगर हम इस मैप को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज 20th century तक बढ़ रही थी। So that is true. Democracy has expanded throughout the 20th century. Okay, clear? Democracy did not spread evenly in all parts of the world. It was established first in some regions and then spread to other regions. So,
that thing is right. Which continent in the world had a large number of democracies in 1950s, and which continent did not have almost any? यानी कि हमने देखा है कि कई कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारी कंट्रीज थी जो 1950 के बाद डेमोक्रेटिक बनी थी, और बहुत कम कंट्रीज थी जो 19th सेंचुरी से पहले भी डेमोक्रेटिक थी. आई होप इट इज क्लियर. वाइल अ मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक टूडे, देयर आर स्टिल लार्ज ऑफ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक. सो स्टूडेंट, दैट इज अ फैक्ट दैट इवन टूडे वी हैव मैनी कंट्रीज दैट देयर आर नो डेमोक्रेसी. विच रीजन्स इन द वर्ल्ड अकाउंट for most of the countries that were not democracy in 2000. यानी कि बहुत सारी countries है जो 2000 में भी democratic नहीं हो पाई थी. Okay? So, in our third part, या in 1.3, we will read about the phases in the expansion of democracy. Phases in the expansion of democracy. The beginning. Let us start. These maps do not tell us much about what happened before the 20th century. The story of modern democracy began at least 2 centuries ago. You may have read the chapter on the French Revolution of 1789 in the history book of this course. So student, जो democracy का जो map है वो 20th century का नहीं है, ये हमें पहले की भी बातें बताता है. आपने French Revolution के बारे में बहुत अच्छे से अपने history के first chapter में पढ़ा है. तो ये democracy के लिए जो एक struggle था वो तभी से start हो चुका था. This popular uprising did not establish a secure and stable democracy in France. और इस revolution के बाद भी France में एक establish और stable secure democracy establish नहीं हो पाई थी. Throughout the 19th century, democracy in France was overthrown and restored several times. यानी कि 19th सेंचुरी के अंदर भी कई बार डेमोक्रेसी फ्रांस में ओवरथ्रोन की गई और कई बार रीस्टोर की गई. येट द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड मेनी स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी ऑल ओवर द यूरोप. और फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही इंस्पायर होकर पूरे यूरोप में या ऑल ओवर द यूरोप में स्ट्रगल होने लग गए थे अपनी डेमोक्रेसी के लिए. इन ब्रिटेन द प्रोग्रेस टूवर्ड्स डेमोक्रेसी स्टार्टेड मच बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो स्टूडेंट, हियर वी सॉ दैट इन ब्रिटेन द प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी स्टार्टेड मच बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी पहले ब्रिटेन में क्या हो चुका था, डेमोक्रेटिक के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका था, या एक प्रोग्रेस जो था वो स्टार्ट हो चुका था. थ्रू द 18th एंड 19th सेंचुरी सीरीज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स रिड्यूस द पावर ऑफ मोनार्की एंड फ्यूडियल लॉर्ड्स. यानी कि 19th और 20th सेंचुरी में कई ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स हुए जिन्होंने किसकी पावर कम की, मोनार्की. यानी कि जो एक मोनार्की सिस्टम था, जो एक किंग का सिस्टम था, यानी कि किंग जो रूल करता था उसके और लैंडलॉर्ड्स के जिनको प्रिविलेजेस दिए जाते थे, उस सिस्टम को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया था. द राइट टू वोट वॉज ग्रांटेड टू मोर एंड मोर पीपल अराउंड द सेम टाइम एज द फ्रेंच रेवोल्यूशन. The British colonies in North America declared themselves independent in 1776. So student, अब क्या हो रहा था कि जो voting right था वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया जा रहा था. और इसी के साथ क्या होता है कि जो French Revolution में जो British colonies थी जिन्होंने
नॉर्थ अमेरिका को अपना स्लेव बना रखा था। तो उन नॉर्थ अमेरिका की जो कॉलोनीज थी उन्होंने खुद को 1776 में ब्रिटिश रूलिंग कंपनी से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था इन 1776। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स दीज कॉलोनीज कम टुगेदर टू फॉर्म द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो स्टूडेंट आफ्टर सम टाइम दीज कॉलोनीज यूनाइटेड एंड दीज यूनाइटेड कॉलोनीज आर कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इन सारी कॉलोनीज को टुगेदर लाकर एक कंट्री बनाई गई जिसे हम आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। दे अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1787, बट हियर टू द राइट टू वोट वॉज लिमिटेड टू वेरी फ्यू मैन। सो स्टूडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जो उन्होंने 1787 में अडॉप्ट किया था, बट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन अ वेरी फ्यू मैन गॉट द चांस टू वोट, यानी कि बहुत ही कम लोगों को चांस दिया गया था कि वो उनके पास वोटिंग राइट्स हो। इन द 19th सेंचुरी स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी ऑफन सेंटर राउंड पॉलिटिकल इक्वालिटी फ्रीडम एंड जस्टिस, यानी कि जो 19th सेंचुरी थी उसके जो स्ट्रगल थे डेमोक्रेसी के लिए वो मेनली किस पर सेंटर्ड रहते थे, पॉलिटिकल इक्वालिटी फ्रीडम एंड जस्टिस। लाइक वी हैव टू पॉलिटिकल इक्वलिटी, हमें एक पॉलिटिकल समानता या बराबरी चाहिए। फ्रीडम यानी कि हमें हमारी स्वतंत्रता चाहिए, यानी कि हम फ्री रहना चाहते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, यानी कि हमें एक पूरी जो प्लानिंग है या पूरी जो एक स्कीम है उसके अंदर हमें फर्स्टली जस्टिस चाहिए, यानी कि न्याय चाहिए। द मेजर डिमांड वॉज द राइट फॉर एवरी अडल्ट सिटीजन टू वोट, और एक मेजर डिमांड आती थी कि सभी अडल्ट सिटीजन को राइट टू वोट मिलना ही चाहिए। मैनी यूरोपियन कंट्रीज दैट वर बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक डिड नॉट इनिशियली अलाउ ऑल द पीपल टू वोट, यानी कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज धीरे धीरे डेमोक्रेटिक होती जा रही थी वो ऑल द पीपल को या सभी लोगों को वोट का राइट नहीं दे रही थी। इनिशियली अलाउ ऑल द पीपल डिड नॉट इनिशियली अलाउ ऑल द पीपल टू वोट, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज डेमोक्रेटिक तो हो रही थी बट जो राइट है वोट का वो सभी अडल्ट्स को नहीं मिल पा रहा था। ऑफन वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, एंड वुमेन को वोट देने का राइट बिल्कुल भी नहीं था। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द ब्लैक्स ऑल ओवर द कंट्री कुड नॉट एक्सरसाइज द वोट अंटिल 1965। कैन यू इमेजिन, अमेरिका में 1965 तक ब्लैक पीपल को वोट देने का राइट नहीं था। Those struggling for democracy wanted this right granted universally to all adults, men or women, rich or poor, white or black. जो लोग इसके लिए struggle कर रहे थे in democracy, they wanted right equally, यानी कि वो सभी के लिए right to vote चाहते थे, like ऑल द अडल्ट्स, चाहे वो मैन हो विमेन हो रिच हो पुअर हो चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो, सभी के लिए या सभी अडल्ट के लिए राइट टू वोट होना ही चाहिए। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी और यूनिवर्स सफरेज। सो स्टूडेंट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी पुट आउट हो सकते हैं कि वॉट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, तो वॉट इज दैट द राइट ऑफ ग्रांटेड यूनिवर्सली टू ऑल द अडल्ट्स मैन और वुमेन रिच और पुअर वाइट और ब्लैक, यानी कि सभी लोगों को जो समान अधिकार है
एडल्ट को वोट देने का, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, विमेन हो, मैन हो, वाइट और ब्लैक हो, सभी को एक इक्वल राइट था, उसे हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल सफरेज कहा है। द बॉक्स हियर टेल अस व्हेन यूनिवर्सल सफरेज वाज ग्रांटेड इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो लुक एट द डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मैप। सो यू कैन सो इट ऑन पेज नंबर 11। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इसमें आप देख सकते हो कि कौन सी कंट्री ने इन विच ईयर दे गेव द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि कब कौन सी कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को एग्जीक्यूट किया गया। एज यू कैन सी बाय 1990s, न्यूजीलैंड वॉज द ओनली कंट्री वेयर एडल्ट हैव वोटिंग राइट। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 19th सेंचुरी से पहले या 19th सेंचुरी के आसपास सिर्फ न्यूजीलैंड ही एक ऐसा कंट्री था जिसने एडल्ट को वोटिंग राइट दिया था। बट इफ यू गो बैक टू द मैप यू कैन सी मैनी अदर कंट्रीज आर मार्क एज डेमोक्रेसी बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। बट जब आप दोबारा मैप को देखेंगे तो आप उनको देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज मार्क है एज डेमोक्रेटिक बिफोर द 20th सेंचुरी। दीज कंट्रीज हैड बाय देन गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल, बट वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। वहाँ पर जो उसे डेमोक्रेटिक कहा गया है बट उनको एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल ने ही इलेक्ट किया गया है, यानी कि पूरी जो कंट्री की पॉपुलेशन है या अडल्ट हैं उन्होंने उसको इलेक्ट करने के लिए वोट नहीं किया है। Mostly men and had granted political freedom in some measure. Early democracies were established in Europe, North America and Latin America. So, जो एक अर्ली डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट था वो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका में ही एस्टेब्लिश हो पाया था। सो देन वी टॉक अबाउट द एंड ऑफ colonialism. Then we talk about end of colonialism. For a very long time, most of countries in Asia and Africa were colonies under the control of European nation. यानी कि बहुत लंबे समय तक जो एशिया और अफ्रीका की कॉलोनीज थी उन पर यूरोपियन नेशन या यूरोपियन कंट्रीज का रूल था। People of the colonized countries had to wage struggle to achieve independence. They not only wanted to get rid of their colonial masters, but also wished to choose their future leaders. यानी कि उन्होंने धीरे धीरे एक struggle start किया to achieve their independence, और वो लोग अपने future leaders को भी choose करना चाहते थे। आर कंट्री वॉज वन ऑफ द फ्यू कॉलोनीज वेयर पीपल कैरीड द नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू लिबरेट द कंट्री फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, और हमारी कंट्री इंडिया भी इन्हीं कॉलोनीज में से एक थी जिन्होंने अपनी नेशनलिटी और अपनी लिबरेट कंट्री के लिए एक स्ट्रगल स्टार्ट किया था कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। आप सभी को पता होगा इंडियंस ने अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी डेमोक्रेसी के लिए कैसे स्ट्रगल किया था, कैसे कई रेवोल्यूशन हुए थे, कई लोगों को मार दिया गया था। तो ये सब चीज़ें हमने अपने डेमोक्रेसी के स्ट्रगल में फेस की थी। Many of these countries became democracy immediately after the end of the Second World War in 1945. और आपने मैप में भी देखा होगा कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जो बिल्कुल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक बन गई थी। इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड
embarked on its journey to transform itself from a subject country to a democracy. यानी कि इंडिया 1947 में फ्री हुआ था एंड उसने अपनी जो एक डेमोक्रेसी की जो एक जर्नी थी उसको स्टार्ट कर दिया था. नाउ इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इन 1947 इंडिया फाउंड इट्स फ्रीडम और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इट कॉन्टिन्यूज टू बी अ डेमोक्रेसी. मोस्ट फॉर्मर कॉलोनीज डिड नॉट हैव सच अ गुड एक्सपीरियंस बट लाइक इंडिया द नॉट अदर कंट्रीज हैव द सेम एक्सपीरियंस. यानी कि इंडिया की तरह ही सारी कॉलोनीज का सेम एक्सपीरियंस नहीं रहा था. द केस ऑफ घाना अ कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका इल्यूस्ट्रेट द मोर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ फॉर्मर कॉलोनीज. घाना यूज टू बी अ ब्रिटिश कॉलोनी नेम्ड गोल्ड कोस्ट. इट बिकेम इंडिपेंडेंट 1957. इट वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन अफ्रीका टू गेन इंडिपेंडेंस. नाउ वी टॉक अबाउट द घाना. घाना पर भी ब्रिटिश कॉलोनी का ही राज था या रूल था और उसे वहाँ पर गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था. ब्रिटिशर्स उसे गोल्ड कोस्ट कहते थे एंड घाना को इंडिपेंडेंस मिली थी 1957 में. इट वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्री और वो अफ्रीका की फर्स्ट कंट्री थी जिसने अपनी इंडिपेंडेंस पाई थी. इट इंस्पायर्ड अदर अफ्रीकन कंट्रीज टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. और घाना ने ही अदर अफ्रीकन कंट्रीज को इंस्पायर किया टू स्ट्रगल फॉर देयर इंडिपेंडेंस फॉर देयर फ्रीडम.